रामपुर नगर पंचायत में अतिक्रमणकारियों को प्रशासन ने अतिक्रमण खाली करने के दिए निर्देश। रामपुर नगर पंचायत में तालाब भीटे पर प्रशासन द्वारा अतिक्रमणकारियों को खाली करने का आदेश दिया गया। साथ ही मौके पर उपस्थित नायब तहसीलदार संतोष कुमार सिंह, ईओ संजय कुमार के नेतृत्व में लेखपाल रमेश तिवारी, विपिन यादव, मनोज यादव, संघ राजस्व की पूरी टीम द्वारा तालाब अतिक्रमण को लेकर कब्जाधारी को अल्टीमेटम दिया गया कि एक सप्ताह में अतिक्रमण खाली कर दें और ईओ संजय कुमार द्वारा जेसीबी बुलाकर छोटे मोटे अतिक्रमण हटवाकर तालाब का सुंदरीकरण का कार्य शुरू कराया गया। अतिक्रमणकारियों में मचा हड़कंप। अगर वो 6 महीने के बाद फिर से कहते हुए कि क्यों स्टे बढ़ाना जरूरी है, ये कहते हुए अगर ये कारण नहीं बताए गए तो ऑटो में स्टे सर यही सर हमने कह रहे थे ना 2-4 दिन समय का बस लोगों ने कहा नहीं आ रहा है, तो एक हफ्ता 10 दिन समय दिया है ना, क्या अच्छे से निपटाइए आप। ठीक सर, प्रणाम सर। जो हफ्ता हो गया अब हम देखा सर लगाना कितना बात किया थे वहाँ मौके पर। आज सर रामपुर में आप सड़कों पर उतरे हैं, क्या है मामला पूरा? ये तालाब का टेंडर हुआ था, तालाब सुंदरीकरण का जी, तो उसी का आज कार्य प्रारंभ कराया गया और कुछ दुकानदारों को भी अल्टीमेट देखें आप दे रहे थे, आप लोग क्या है वो पटरी किनारे इंटरलॉकिंग होना है, उस पर वो लोग स्थायी रूप से अतिक्रमण किए हुए हैं, उनको सूचित कर दिया गया, बता दिया गया कि आप अपना दुकान हटा लें, उसके तदुपरांत इंटरलॉकिंग लगवाया गया। सर इसी मार्ग में जो है कि बरसात के समय में जल जमाव की स्थिति काफ़ी भयानक होती है, उसी इंटरलॉकिंग करके उसे ऊँचा कराया, नाली का भी निर्माण कराया जाएगा क्या? नाली में। और सर मान के लिए जो लोग दुकानदार हैं कितने दिनों का समय दिया गया, अगर वो नहीं मानते तो फिर क्या कार्रवाई होगी? तो उनके ऊपर फिर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कितने दिनों का सर समय दिया गया है? समय उनको कल तक का ही दिया गया है कि कल तक हटा लें अपना, क्योंकि अस्थायी अतिक्रमण है नहीं, अस्थायी अतिक्रमण जी, जैसे जहाँ तक वो दुकान लगाए हुए हैं वहाँ तक रहें, उससे आगे ना बढ़ें। हाँ, उससे आगे ना बढ़ें। धन्यवाद।